समस्या। तो आर्थिक समस्या जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे पास साधन जो है वो सीमित है, पर हमारी आवश्यकताएं जो अनंत है, असीमित है। मतलब हमारे हर एक को हर चीज जो दूसरे के पास देखता है वो उसको भी चाहिए, पर उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन जो है सीमित है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, साधनों की दुर्लभता एक कटु सत्य है कि ये आप नहीं, विश्व में किसी भी कोने में होंगे तो हर एक को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है कि जो साधन की दुर्लभता है वो होती होती है, उसको तो कोई हो नहीं। और ये एक सार्वभौमिक समस्या है, ये हमारे लिए नहीं कि इंडिया में ऐसी हो या आपके लिए ऐसी कुछ नहीं, ये सब जगह है ना। आपसे थोड़ा क्या कहते हैं, हम संपन्न होंगे तो हमारे भी कुछ ऐसी आवश्यकता होंगी जो हम पूरी नहीं कर पा रहे, जो हमसे ऊपर होंगे, जो ऊपर वर्ग होगा उसके भी पास ऐसी कुछ इच्छाएं होंगी जो उसको पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा है कि इच्छाएं जो होती हैं असीमित होने के कारण उतने संसाधन हमारे पास नहीं होते, क्योंकि संसाधन जो है दुर्लभ है। दुर्लभता किसे कहते हैं? दुर्लभता का अर्थ मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना। अन्य शब्दों में शून्य कीमत पर भी साधन की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है, अर्थात जो है मांग की तुलना में पूर्ति, मांग ज्यादा है पूर्ति कम, तो वो चीज दुर्लभ हो जाती है। और जो भी चीज दुर्लभ होगी वो महंगी होगी। अर्थशास्त्र की दृष्टि का देखा जाए तो दुर्लभ चीजें जो होती है वो ज्यादा महंगी होती है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत या असीमित होती है, आपको मैंने बताई दिया है, जबकि उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन सीमित या दुर्लभ होते हैं। आवश्यकता तो हमारे बहुत सारी है पर उसको हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास साधन जो है, संसाधन पूरे नहीं है। संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या है? अगर आप अपने घर में आपके हिसाब से दूध आता होगा है या गाय भैंस में दूध, तो दूध जो है ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। दूध दही के रूप में खाओ, चाय, कोई चाय पीना जाता है, कोई मिठाई बनाने के लिए, अनेकों प्रयोग है इसके, है ना दूध के। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो उसकी मांग ज्यादा हो जाती है। ऐसी बिजली है, जो बिजली आती है हमारे वहाँ, उसमें बिजली से क्या है, कोई कोई टीवी चलाना जाता है, कोई कंप्यूटर चलाना जाता है, कोई मोबाइल चार्ज करने के काम में आती है, कोई लाइट जलाने के काम में आती है, कोई मिक्सी चलाना, अनेकों उसको इस्तेमाल है, अनेकों प्रयोग है। जब जिस चीज़ के अनेकों प्रयोग होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, और ज़्यादा दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि उसकी मांग जो है ज़्यादा हो जाती है। अब अर्थशास्त्र क्या है इसकी, इसको दोबारा बोलो, रोक दे इसलिए कर लो, ठीक हो गया। अब क्या है, अर्थशास्त्र जो है संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन। अब विवेकशील प्रबंधन मतलब आप अपने विवेक से चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो चीज़ें आपको आपको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं कि इनका प्रयोग इस चीज़ के लिए करना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वहाँ पर अपना विवेक का इस्तेमाल करके आप इस प्रकार से चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको अधिक से अधिक संतुष्टि मिले और सीमित साधन में भी आपको ज़्यादा संतुष्टि मिले। तो उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता के स्तर पे, ये व्यष्टि स्तर पे, मतलब छोटे स्तर पे हम संसाधनों का विवेकशील प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। हम लोग उपभोक्ता हैं तो उपभोक्ता के लिए क्या होगा, अपने संसाधनों, हमारे संसाधन क्या है, आय, ये संपत्ति, ये मकान वगैरह सब ये हमारे संसाधन है, का उपयोग इस प्रकार करता है कि वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। जो पैसा हमारे पास है उसका इस्तेमाल या उसका प्रयोग ऐसे करें जिससे कि हमको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। और उत्पादक क्या है, उत्पादक के पास जो अपने संसाधन है वो अपने संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम कर सके। उपभोक्ता का एक ही ध्येय होता है कि वो संतुष्टि अधिक मिले, है ना। आप जाते हो, जब कहीं मेले में जाते हो तो आपके पास मानो 100 रुपये हैं, तो आप उसको इस प्रकार से खर्च करते हो कि आपको अधिक संतुष्टि मिले। ये थोड़ी आप कोई भी चीज़ लेके आते हो, आप पूरे बाजार घूमोगे, देखोगे यार ये चीज़ अच्छी है, तो उसमें उसको आप जिसमें लगेगा यार इसकी उपयोगिता मेरे लिए ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप खरीद लोगे, दूसरी चीज़ आप छोड़ दोगे। इसी प्रकार से उत्पादक जो है उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं पर सीमित मात्रा में, तो वो उन संसाधनों को इस प्रकार उपयोग करेगा कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो उपभोक्ता का ध्येय है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना और उत्पादक का ध्येय है अधिकतम लाभ कमाना।
इसी प्रकार से अब समष्टि स्तर पे, समष्टि स्तर मतलब व्यापक अर्थात हम पढ़ लें, है ना। अब यहाँ छोटी व्यष्टि की बात नहीं रही, अभी समष्टि की बात, अभी हम पूरे देश के पूरे के अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक देश अपने संसाधनों का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि की दर के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी अधिकतम कर सके। तो सरकार चाहती है कि उसका जीडीपी रेट भी बढ़े। अब जब हम दूसरी बुक पढ़ेंगे समष्टि अर्थ, तो अपने जीडीपी पढ़ेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कैसे कहते हैं, है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़े और सामाजिक कल्याण भी। सरकार का काम क्या होता है, समाज का कल्याण करना, है ना। तो सरकार जो है समाज के कल्याण के लिए वैसा काम करती है, तो उसको तो हम कहते हैं समष्टि स्तर पर जो है एक देश अपने संसाधन का उपयोग इस प्रकार करता है कि उसकी जीडीपी भी बढ़े और समाज का कल्याण भी हो। इसके बाद जब हम तीनों चीज पढ़ी, अब इसकी एक परिभाषा बनती है, ठीक है। उसी चीज को हमने मतलब परिभाषा में कर दिया है कि उन चीज को जोड़कर कि अर्थशास्त्र वो विषय वस्तु है जो कि दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार संबंधित है कि वो व्यष्टि स्तर पे अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम करते हैं। अब व्यष्टि स्तर पर कौन है, उपभोक्ता और उत्पादक, तथा समष्टि स्तर पर अपने समाज पर समाज अपने कल्याण को अधिकतम करता है। अब यहाँ पर व्यष्टि स्तर पे जो है हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता और उत्पादक की, समष्टि स्तर पर हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण की, सबके कल्याण की, जितने भी हमारे देशवासी हैं सबका कल्याण होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी एक परिभाषा बनती है। इसका परिभाषा याद करोगे तो कभी आ सकता है कि अर्थशास्त्र क्या है तो आपके मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, ये मैं आपको सब पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि मनुष्य की आवश्यकता असीमित है किंतु उसके इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना, और अतः सीमित साधनों से वो अपनी सभी आवश्यकता संतुष्ट नहीं कर सकता। सही बात है, आपकी कोई ना कोई आवश्यकता जो है वो अधूरी रह जाएगी, है ना। अतः प्रत्येक उपभोक्ता का ये प्रयास होता है कि वो कम साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके, इसलिए उसे चयन करना पड़ता है। अगर वो चयन करना पड़ता है कि आप जाओगे तो मुझे ये खरीदना है या ये खरीदना है, कि मुझे कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी वस्तु मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, तो जो ज़्यादा उपयोगी होगी उस पर आप पैसा खर्च करोगे। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, इस चीज़ का चयन करना पड़ता है। चयन की समस्या आर्थिक समस्या को ही जन्म देती है। चयन या चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या हम कहते हैं। यही आर्थिक समस्या कि हम क्या चुने, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है। देखो, तीन कारण से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। पहला कारण क्या है, सीमित संसाधन, हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। और दूसरी जो है समझो जो मेन वो है, हमारे पास जो है असीमित आवश्यकताएं, अनंत हमारी आवश्यकता जो बहुत, उसका कोई कहीं अंत नहीं है, वो अनंत है, आवश्यकताएं बढ़ती रहती सबकी। एक चीज़ मिलेगी तो आपको उसके दूसरी चीज़ की फिर आवश्यकता हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो होती है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। एक साधन जो है वो सीमित मात्रा में है, उसके वैकल्पिक प्रयोग भी है, तो हर प्रयोग में उसके इस्तेमाल करने के लिए हमको परेशानी होती है और वो साधन और दुर्लभ हो जाता है। तो इसलिए जो है चयन या चुनाव की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आप पूरे पेपर पुराने पेपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आएगा, तो इसको आप जरूर याद करें। चयन या चुनाव की समस्या, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि मैंने आपको बता दिया हमारी आवश्यकता की तुलना में संसाधन सीमित होते हैं, हमारी आवश्यकता ज्यादा है और संसाधन सीमित है, इन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। या तो आप इन दो को इस तरीके से लिख लो, वहां एग्जाम आता है आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ना, जब संसाधन हमारे पास सीमित है, आवश्यकता हमारी अनंत है, हर वस्तु का वैकल्पिक, कुछ वस्तु का वैकल्पिक प्रयोग भी पाया जाता है, तो हमें चयन करने में परेशानी होती है कि हम अपने संसाधनों को किन चीज़ों पर खर्च करें। तो यही जो है आर्थिक समस्या है, क्यों उत्पन्न होती है, वही कारण है कि अनंत आवश्यकता है, सीमित साधन, और तीसरा है साधन के, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने कारण ये एक प्रश्न बनता है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको पूरा इसको बता दिया है कि असीमित मानवीय आवश्यकता होती है, है ना, सीमित साधन है हमारे पास, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होना, कुछ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग पाए जाते हैं
जैसे दूध का प्रयोग दही मिठाई बनाने में किया जाता है, ऐसी बिजली का अलग। तो ये तीन जो कारण है एग्जाम में आ सकता है कि आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण ये तीन कारण है, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ये चैप्टर में ये था कि अब देखो दुर्लभता को परिभाषित करें, हमने दुर्लभता को परिभाषित कर लिया है ना। संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से क्या अभिप्राय है कि हम संसाधन का विवेकशील प्रबंधन करें, कैसे कैसे करेंगे, वो मैंने आपको व्यष्टि स्तर पर बता दिया, समष्टि स्तर पर बता दिया। आर्थिक समस्या क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है, और चयन या चुनाव की समस्या क्या होती है, ये चीज भी हमने पढ़ ली है। तो इन प्रश्नों का भी आप अपनी कॉपी में इस के नोट्स बनाने के बाद उसका उत्तर देंगे, तो आपका वो सेकंड असाइनमेंट होगा। पहला असाइनमेंट आपने कर लिया, दूसरा असाइनमेंट, ठीक है।